पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नगर निगम के द्वारा लगातार अभियान चलाकर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और भेदभाव अपनाकर कार्रवाई की जा रही है। निगम अधिकारियों और कर्मचारियों से जान पहचान है तो आपका कुछ नहीं होगा, और जान पहचान नहीं रखते हैं तो फिर कार्रवाई होकर रहेगी। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र शर्मा का। पंडित सत्येंद्र शर्मा का कहना है कि नगर निगम स्मार्ट सिटी में जो पैसा आ रहा है उसका कोई सवाल ना कर ले, इसलिए अभियान चलाकर लोगों को डराने का काम किया जा रहा है। बुद्धि विहार में चलाए गए अतिक्रमण अभियान पर बोलते हुए कहा कि निगम अब बोर्ड भी नहीं लगने देगा और हठ धर्मिता अपनाकर ऐसी कार्रवाई कर रहा है। नगर निगम के कर्मचारियों ने सब्जी ठेले तोड़कर गरीब परिवारों की रोजी रोटी छीनने का काम किया है। एक ओर जहां सरकार रेहड़ी पटरी वालों को लोन देकर रोजगार देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर रेहड़ी पटरी वालों को उजाड़ा जा रहा है। पंडित सत्येंद्र शर्मा का कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों पर सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है और यही वजह है कि गरीब लोगों को उजाड़ने का काम निगम के कर्मचारी कर रहे हैं। लेकिन नगर निगम का जो अतिक्रमण अभियान पूरे शहर में चल रहा है, इससे अच्छी बात है, उन अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन बराबरी के साथ हटना चाहिए। मैं नोट कर रहा हूँ, जितने झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जितने रेहड़ी पट्टी वाले हैं, जितने सब्जी वाले हैं, खासकर फल वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनको हटाने के अलावा कहीं कोई अतिक्रमण का नहीं हटाया जा रहा है, पहली बात। या जितने गैर भाजपाई बोर्ड लगे हुए हैं, जितने भी आम व्यक्ति या समाज से जुड़े नेता हैं उनके बोर्ड लगे हैं, वहाँ ताकत दिखाने के अलावा नगर निगम कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से आज भी हमारे यहाँ मजबूरी से लेकर ब्रेड फैक्ट्री तक इन्होंने अतिक्रमण किया, और उसी अतिक्रमण में मेरा भी बहुत साइड से एक बोर्ड लगा हुआ था महिला स्कूल के सामने, वीर सिंह जी का भी लगा हुआ था, वो सारे बोर्ड हटाए। और जितनी सब्जी वाली परमानेंट बिचारी सब विडोज हैं, वो बहुत ज़रूरतमंद हैं, उनको हटा दिया गया, उनकी रोजी रोटी का साधन छीना गया। तो मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ नगर निगम, पता नहीं क्या उससे कहा गया है, जो भी है, वो एक आम और छोटे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके और खुश हो जाते हैं। उन्हें ना तो स्टेशन रोड दिखती है जहाँ नाले पर बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ना बुध बाजार दिखता है जहाँ बिल्डिंगें बनी हुई, होटल बने हुए नालों पर, ना और भी कई सारे ऐसे चिन्ह हैं हमारे शहर के अंदर, ऐसे स्थान हैं, लेकिन वहाँ उनकी जाने की हिम्मत ही नहीं है। बेचारे जो रेहड़ी पट्टी वाले, चाहे हटा दो उनका सामान, उठा के फेंक दो उन्हें। अभी वहाँ पे कपूर कंपनी पे 100 परिवार जो आज भी धरने पे लगातार बैठे हुए हैं, उनकी रोजी रोटी पिछले 100 सालों से होती है, उन्हें हटा दिया। उसमें रेलवे वालों को दोषी बना दिया कि रेलवे ने हटाया, साहब नगर निगम का काम था वो सारा। और भी बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। मुझे तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो स्मार्ट सिटी का पैसा जितना आ रहा है, जब जब वो आता है तब तब नगर निगम ये अभियान छेड़ता है मेयर साहब के आदेश पर, ताकि लोग उससे पूछे ही ना कि कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ मेयर साहब से कि अब अखबार में ये, कम से कम अखबार में तो ये कटिंग दी जा सकती है, इतने रुपये आए, इतने खर्च हुए, यहाँ यहाँ खर्च हुए, क्या पिछले 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने ऐसा बताया कुछ? चुनाव तो अभी और 6 महीने बाद या 4 महीने बाद है, तो इन्हें बताना चाहिए कि इतना रुपया स्मार्ट सिटी के लिए आया, इतना खर्च हुआ, आज तक नहीं बताया गया। अधिकारी 5-5 साल से जमे हुए हैं यहाँ नगर निगम के अंदर, उन्हें हिलाने वाला नहीं, हिमालय से ज्यादा मजबूत हो गए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, अधिकारी अच्छे हैं, अधिकारी तो सब अच्छे होते हैं, लेकिन एक जगह पर अधिकारी का रुकना अच्छा नहीं होता, ऐसा हिंदुस्तान में प्रोटोकॉल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा, बिल्कुल सोतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए कि अगर इस सपा के नेता का होर्डिंग है तो उठा के फेंक दो, और ये अगर भाजपा के नेता का है तो उस पर माला और चढ़ा दो, ये कतई गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। और मैं तो ये कह सकता हूँ, मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष होने के नाते मुझे गहरी चोट लगी कि इन्हें सब्जी वालियों को, जिनसे हम रोज सब्जी खरीदते हैं, उन्हें बिल्कुल इन्होंने जड़ से नेस्त नाबूद करा। हम उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे, और मैं तो खास तौर से जो धरने में बैठे हैं, कल ही उनके समर्थन में उनके साथ जाऊंगा कि उन्हें पुनर्स्थापना उनकी होनी चाहिए, उनके जीवन यापन का कोई साधन नहीं है, वो मिलना चाहिए उन्हें। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? स्मार्ट सिटी के लिए पैसा आ रहा, तो वो स्मार्ट सिटी का पैसा कहाँ जा रहा, कहाँ खर्च हो रहा? मुझे तो नहीं लग रहा किसी शहर किसी कोने में पैसा लग रहा, सिर्फ चाइनीज LED लाइट लगाने से शहर नहीं चमकता।
काम कराने से ग्रीन टी जरा जरा से पौधे लगा दिए, कौन सी ग्रीन टी है शहर के अंदर? गांधी जी का चश्मा नगर निगम के नगर आयुक्त के घर के सामने टांग दिया, उससे स्मार्ट सिटी हो गया? काम होना चाहिए, काम तो दूर से दिखता है। तो मैं नहीं समझता ये ध्यान भटकाने के लिए, जो स्मार्ट सिटी का पैसा आ रहा है उससे ध्यान भटकाने के लिए कार्रवाई की जा रही है, जो कि बिल्कुल निंदनीय है, गलत है और समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। लोग भले ही चुप हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं क्रोधित भी हैं, क्योंकि जब तक जुर्म होता है जब जब छोटे लोगों पे आम जनता पे, तब तक एक नई क्रांति आती है। मैं यही निवेदन करूँगा कि स्मार्ट सिटी यदि दर्जा मिला है तो वो पूरा होना चाहिए, उसका पैसा वहाँ विकास में लगना चाहिए, ना कि छोटे लोगों पर ताकत दिखाई जाए। अगर वाकई अतिक्रमण हो रहा है तो सब जगह जहाँ पे बुद्ध बाजार में इतना अतिक्रमण है क्यों नहीं हो रहा हो, और भी कई सारे चिन्ह क्यों नहीं हो रहे, ये एक सवाल खड़े हैं। तो मतलब दिख नहीं रहे सारी चीजें हैं और दूसरे का इतना सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। कल को व्यापार सभा की मीटिंग बुलाई गई, व्यापार सभा की देखो कितने लोग आते हैं, वो रखेंगे बातचीत, उन्हें समर्थन दे के आएंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।